आपके साथ हम सब खड़े हैं पूरे पलिया परिवार को आज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय भीम, जय भारत। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया मस्त होंगे। और सभी को एक बार तहे दिल से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। और आज जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं घर से बाहर हूँ और एकदम पीछे कुछ ढाबा जैसा दिख रहा होगा आपको, तो मैं इस समय ग्वालियर गुना हाईवे पर, एक्चुअली मेरा कुछ काम है इसलिए मैं आज गुना जा रहा हूँ। और मैं अपने पापा के साथ जा रहा हूँ, मतलब कि पापा हैं मेरे साथ और हम दोनों ही जा रहे हैं। कुछ काम है, क्या काम है वो आगे जब ब्लॉग में आपको वीडियो देखोगे तो पता चल ही जाएगा किस काम से जा रहा हूँ। फिलहाल अभी हम लोग रुके हुए हैं ढाबे पर, कुछ चाय नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग ग्वालियर से 1.5 घंटा हो गया निकल के आ गए, तो चलिए हम चलते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। यहाँ खड़ी है मेरी गाड़ी, मैंने यहाँ पार्क की हुई है और ढाबे पर चाय नाश्ते के लिए जैसे मैंने बताया रुके हुए हम लोग, तो पहले हम लोग चाय नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं। देखिए गाड़ी मस्त चल रही है, क्लीन एकदम, बड़ा सा ढाबा, अच्छा जगह। ये गुना हाईवे पर बदरवास के पास हाईवे है, वहाँ पर ढाबा है। ये है ढाबा दोस्तों, पापा सामने बैठे हुए हैं। चलिए आता है नाश्ता, फिर करते हैं हम लोग, फिर बढ़ते हैं आगे। आज ना दोस्तों मौसम में ना हल्की गर्मी कम है, क्योंकि ना इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, 40+ टेम्परेचर जा रहा था, हालत खराब हो रही थी। आज क्या है, बीच बीच में हल्के हल्के बादल हो रहे हैं, कभी धूप आ रही है, तो हल्की हल्की मतलब कि गर्मी कम लग रही थी। और यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, मेरी नज़र पड़ी एकदम से, मैंने देखा जग के साथ रस्सी बंधी हुई है। मैंने कहा क्यों ऐसा, फिर मुझे लगा शायद एक ही टेबल पे होगा, अगल बगल देखा तो सारी टेबल पे सेम ही था कि जग के साथ रस्सी बंधी हुई थी। फिर मैंने, हो सकता है शायद क्या होता है, ड्राइवर वगैरह होते हैं जग इधर उधर ले जाते हैं हाथ वाथ धोने के लिए, क्योंकि ढाबा है, ट्रक्स रुकते हैं सबसे ज़्यादा, बाकी सब लोग भी। यहाँ पर एक इनकी शॉप भी थी ढाबे पर, जिस पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चिप्स वगैरह सारी चीज़ें रखे थे। अच्छा है ढाबे ढाबे पर, क्योंकि खाने में मज़ा आता है। और यहाँ पर फाइनली हमारा दोस्तों आ गया नाश्ता, एक एक आलू पराठा दही के साथ खाया हम लोगों ने दोस्तों, क्योंकि पोहा और समोसा वगैरह नहीं था, तो एक एक आलू का पराठा मंगाया और फिर हम लोग बढ़े आगे। तो चल दिए यहाँ से हम लोग दोस्तों, ये हम लोग एंटर हो गए थे गुना सिटी के अंदर। ये गुना सिटी का व्यू है अंदर दोस्तों, ये पूरा मेन रोड है जहाँ से हम लोग अंदर जा रहे थे जहाँ, तो चलिए चलते हैं सीधे जहाँ पहुँचना है, पहले वहाँ पहुँचते हैं फिर मिलता हूँ। तो दोस्तों हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया था, और चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग जहाँ आने वाले थे गुना, वहाँ पहुँच चुके हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक्चुअली क्या है, हम लोग गुना इसलिए आए हुए हैं क्योंकि एक पॉलिटिकल पॉलिटिक्स का एक प्रोग्राम है, मतलब मेरे चाचा हैं जो बड़े, उन्होंने एक पॉलिटिक्स का एक प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें माननीय दिग्विजय सिंह के बेटे जो हैं विधायक जयवर्धन सिंह, उनको इन्वाइट किया हुआ है एज अ चीफ गेस्ट, तो वो आने वाले हैं और जिनके लिए ये प्रोग्राम रखा हुआ है, तो उनका ही हम लोग वेट कर रहे हैं। मैं पहुंच चुका था, तो मैंने सोचा बाहर क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मैं गाड़ी में एसी चला के बैठा था, तो सोचा यहीं पे वीडियो शूट करता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, तो जैसे ही वो आते हैं चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ, और क्या प्रोग्राम हो रहा है वो भी दिखाता हूँ। तो पिछड़ा कांग्रेस विभाग के उपाध्यक्ष तारकिशोर यादव जी उपस्थित हैं, और हमारे वरिष्ठ नेता विजय यादव जी जो कमलनाथ संदेश यात्रा निकल रही है, निकली है, उस यात्रा में हमारे साथ में है आदरणीय सीमा यादव जी जो वरिष्ठ नेता है। कमलनाथ संदेश यात्रा भोपाल से चलकर के 22 विधानसभाओं में कमलनाथ के संदेश जी को लेकर चल रही है, और इसी बीच में हमारे अशोक पलिया जी बहुत पुराने साथी हैं, अम्बेडकर वादी मूवमेंट के बहुत पुराने हमारे साथी हैं, उनका निमंत्रण भी था, लेकिन संदेश यात्रा चूंकि आगे बदरवास में भी कार्यक्रम है, कोलारस में भी कार्यक्रम है, और रात्रि की ओरछा में कार्यक्रम है, संदेश यात्रा को रोक पाना कठिन है, क्योंकि एक बजे से कार्यक्रम, हम जितना लेट करेंगे हमारी यात्रा उतनी लेट होगी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाहूंगा कि आदरणीय दामोदर सिंह जी, यादव जी ने अपने विषम परिस्थितियों में भी समय देकर के अशोक पलिया जी के यहाँ पर आए, मैं चाहूंगा अशोक पलिया जी उनका स्वागत करें।
रामकिशोर यादव जी का भी स्वागत करें। विद्या यादव जी का भी स्वागत करें। कमलनाथ जी संकल्प यात्रा को लेकर कर रहे पिछले वर्ष मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और संविधान बचाओ मंच के राष्ट्रीय संयोजक मेरे रिस्पेक्टेड दामोदर सिंह जी यादव, मैं उनका आज गुना की धरती पर वेलकम करता हूं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में मेरे अजीत दोस्त सुनील भाई बोरसे जी का भी मैं स्वागत करता हूं। आ रहे हैं और इस भूमि पूजन कार्यक्रम में नमस्कार भैया, उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जब भी कोई उनका प्रिय उन्हें याद करता है हमेशा वे हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। ये हमारे लाड़े विधायक साहब की बहुत ही अच्छी खासियत है और हम सब उनका तहे दिल से आज के भूमि पूजन कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर्स, सभी सम्मानीय महिलागण, सभी प्यारे बच्चे, हम सब उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी अनुरोध स्वागत करें। विधायक अतिरिक्त यहाँ उपस्थित हैं और आज भूमि पूजन का यह पावन अवसर है, आप और हम सभी समय उपस्थित हैं और जैन धर्म की बात करें या धर्मों की बात करें, ऐसे माहौल के अंदर आज एक ऐसा प्रोग्राम रखा जिसकी हम सबको नहीं बल्कि पूरे देश को जरूरत है। मैं उन्हें बधाई देता हूं और मुबारकबाद देता हूं। और मध्य प्रदेश के भविष्य रावण के लोकप्रिय नेता नए घर के भूमि पूजन के समारोह में आज यहां विराजमान हमारे जो चारों धर्म गुरु यहां उपस्थित हैं, मैं चारों को प्रणाम करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हमारे सहारनपुर से पधारे हमारे पूर्व विधायक आदरणीय कृष्ण मोहन मालवीय जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रभारी राघवेंद्र शर्मा जी, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मेहरबान ठाकर जी, हमारे जिला कांग्रेस के शहर अध्यक्ष, आपके साथ हम सब खड़े हैं। पूरे पलिया परिवार को आज के इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। तो यहाँ हम प्रोग्राम को अटेंड करके प्रोग्राम कंप्लीट करके वापस चल दिए ग्वालियर घर की तरफ। तो मैंने ये वीडियो लास्ट में इसलिए बनाया दोस्तों, आपको ये हाईवे दिख रहा होगा, हाईवे तो एक नंबर मतलब कि बहुत ही मस्त था, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था लेकिन लगभग 90% कंप्लीट हो चुका था। ये जो हाईवे या जो ये जो ओवरब्रिज आपको दिख रहा है दोस्तों, ये माधव नेशनल पार्क है जो शिवपुरी में है, वो वाला एरिया है। इस ओवरब्रिज के अंडर नीचे मतलब कि पूरा का पूरा जो नेशनल पार्क है वो है, क्योंकि मिस्टर नितिन गडकरी जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने का एक प्लान था कि जैसे नेशनल पार्क के बीच में से रोड जाती है तो जानवरों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, रात में लाइट पड़ती है, हॉर्न की आवाज़ आती है तो सो नहीं पाते, डिस्टर्बेंस होता है, तो उन्होंने एक प्लान दिया था, उसका ही एक एग्जाम्पल है। ये पूरा का पूरा नेशनल पार्क है, ओवरब्रिज ऊपर से बनाया गया है ये पूरा का पूरा,
आप लोग साइड में देख सकते हो, ये ऊपर जो है ना ये बांस की जो है बाउंड्री टाइप की इन्हें बनाई थी, जिससे लाइट बिल्कुल भी नीचे जंगल में ना जाए और जानवर जो है बहुत आराम से अपनी नींद ले सके। जैसे इंसान अपने घर में आराम से सोता है, वैसे ही जानवर अपने अपने घरों में अपने जंगल में आराम से सोए। तो हैट्स ऑफ मिस्टर नितिन गडकरी, जिनका ये प्लान था और जो प्लान बनाया इन्होंने और उसको पूरा का पूरा साकार करके भी दिखाया, बहुत ही गजब। तो दोस्तों फाइनली हम लोग प्रोग्राम अटेंड करके कंप्लीट करके घर की तरफ चल दिए। आपको वीडियो कैसा लगा वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों जो भी, और जल्द से जल्द हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 5K कंप्लीट करने में हमारी मदद करें दोस्तों। और मैं मस्त हाईवे का मज़ा लेते हुए गाड़ी ड्राइव करके गाड़ी का एंजॉयमेंट के साथ अपने घर पहुँचा आराम से, क्योंकि दिन का टाइम था, धीरे धीरे गए हम लोग। और लेकिन रोड इतना अच्छा था कि ये 100-110 की स्पीड चल रही थी, जो कि बिल्कुल भी पता नहीं पड़ रहा था। और चलते चलते क्योंकि हम लोग गुना से करीब 6 बजे करीब निकले थे, तो घर पहुंचते पहुंचते रात भी हो गई थी। फाइनली पूरा मैंने जो जर्नी थी 250 किलोमीटर की वो 3-3.5 घंटे में कवर कर ली थी, तो कंप्लीट करके मैं अपने घर पहुंच गया था। रास्ते में हम लोग यहाँ जा रहे थे तो थोड़ा सा सोचा कहीं रुक के चाय वाय पिया जाए, तो पापा ने बोला चाय पीते हैं, तो मैं आगे चलता गया, मुझे अच्छा सा ढाबा दिखा तो मैंने सोचता हूँ रुकता हूँ। तो थोड़ी दूर जब चला मैं तो फिर मैं आगे एक ढाबा दिखा जहाँ अच्छा दिख लग रहा था, वो घर के थोड़ी ही दूर रह गया था, शायद 50-60 किलोमीटर रह गया था। तो यहाँ पर हम लोग फाइनली इस ढाबे पर पहुँचे, यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी पार्क की और एक एक चाय पी, पापा ने भी चाय पी, मैंने भी चाय पी। हर लगभग मैं चाय पीता नहीं हूँ लेकिन उसने 2 कप दे दी थी तो फिर मैंने भी पी ली। ये है आज के ब्लॉग का लास्ट ढाबा, लास्ट वीडियो जहाँ पर हम लोग रुके और चाय पी। अच्छा ढाबा था दोस्तों, शांति थी, और लेकिन ढाबे का जो मज़ा होता है ना, एक फील हाईवे पर बैठ के, वो कुछ अलग ही होता है। किन लोगों को ढाबे पे मतलब कि बैठ के खाना पीना पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे वीडियो पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।